नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरे कुकिंग क्लासी चैनल पर। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ हरी प्याज के पकोड़े की रेसिपी। इसे बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही झटपटे बनके तैयार हो जाते हैं, खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो आप मेरे तरीके से एक बार बना के ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कमेंट करना ना भूलें। चलो चलते हैं हरी प्याज के पकौड़े बनाने। उसके लिए मैंने यहाँ पर ये 500 ग्राम हरी प्याज ले ली है। तो मैंने छोटी वाली जो प्याज है ना वो ली है, ज़्यादा मोटी वाली नहीं लेनी है। इसकी कटिंग कर लेती हूँ। तो पहले मैं इसे दो पार्ट में डिवाइड कर लेती हूँ। तो ग्रीन पार्ट को अलग कर लेती हूँ और व्हाइट वाले पार्ट को अलग। दो यूज़ दोनों का ही होगा, लेकिन पहले मैं आधा आधा करके काट लूँगी। तो ग्रीन पार्ट को थोड़ा मोटा काटना है, व्हाइट पार्ट को थोड़ा बारीक काटना है, इसलिए मैं अलग अलग कर लेती हूँ। तो यहाँ से मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ। तो ग्रीन पार्ट थोड़ा सा मोटा कट जाए कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बहुत जल्दी सॉफ्ट होता है, बहुत जल्दी पक जाएगा। तो मैं इस तरह से सारे ग्रीन पार्ट को काट लेती हूँ और जो हमने अलग करा है उसको भी मैं काट लूँगी। तो पहले मैं इस वाले मुट्ठी को काट लेती हूँ। आपको जैसे अच्छा लगे आप वैसे काट सकते हो, आप एक एक करके भी काट सकते हो, लेकिन इस तरह से ना थोड़ा जल्दी कट जाएगा। तो मैं इसी तरह से इसकी कटिंग कर रही हूँ। तो आप देख सकते हैं कितनी आसानी से कट जाता है। तो ऐसे ही अब मैं इधर से पलट को वाइट पार्ट को भी काट लूँगी। तो यहाँ से अब मैं पतला पतला बारीक वाइट वाले पार्ट को काट लेती हूँ। तो बहुत ही जल्दी ये कट जाती है प्याज। तो इसी तरह से मैं सारी प्याज को ना काट के तैयार कर लूँगी। तो आप देख सकते हैं इसे ज़्यादा मोटा नहीं काटना है हमको। और यहाँ पे हो गई मेरी सारी प्याज कट के तैयार। तो जो मैंने अलग पार्ट किया था ग्रीन, उसको ही मैं काट के तैयार कर लूँगी। और सबको डाल लिया मैंने एक खाली बाउल में। तो यहाँ पे मैं सारी प्याज ट्रांसफ़र कर ली है। अब इसके लिए मैं ना एक मसाला बना के तैयार करूँगी, जिसके लिए मैंने यहाँ पर बहुत ही टेस्टी, उससे मतलब टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर लहसुन अदरक और हरी मिर्च ले ली है। इन सबको ना मुझे पीस के तैयार करना है। तो इसको मिक्सी का जार ले लिया है और बिना पानी डाले हम इसे थोड़ा सा पानी डाल के 2 से 3 चम्मच और इसे पीस के तैयार कर लेंगे। ज़्यादा पतला पेस्ट हमें नहीं बनाना है, क्योंकि प्याज भी पानी छोड़ती है। तो फिर ज़्यादा हमें बेसन का यूज़ करना पड़ेगा, फिर पकौड़े में उतना टेस्ट नहीं आएगा। तो इसे मैंने पीस के ट्रांसफ़र कर लिया जो प्याज थी उसी वाले बाउल में। अब यहाँ पर हम ऐड करेंगे कुछ मसाले। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर डालूँगी इसमें धनिया पाउडर 1 चम्मच भर के, छोटी वाली चम्मच का मैं यूज़ कर रही हूँ। 1 चम्मच धनिया पाउडर, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, यहाँ पर डालूंगी मैं 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। थोड़े टेस्टी और हमें चटपटे होंगे ना तभी टेस्ट अच्छा आएगा। 1/4 चम्मच जीरा, भुना हुआ जीरा डाला है मैं इसमें। उसके बाद मैंने इसमें 1 कटोरी बेसन डाल दिया है। ज़रूरत पड़ेगी तो मैं इसमें बेसन का और यूज़ करूँगी। पानी हमें इसमें बिल्कुल भी नहीं डालना है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि प्याज इतना पानी छोड़ती है। तो यहाँ पे आपको लग रहा है बेसन बहुत कम है और प्याज अभी तो हमारा पेस्ट बहुत पतला लग रहा है, तो मैं यहाँ पे जितना मैंने पहले लिया था ना 1 कटोरी भर के, उतना ही मैं और बेसन इसमें ले लूँगी। अब फिर से मैंने उतना ही बेसन ले लिया है और इसको भी मैं अच्छे से अब मिला लेती हूँ। और सारी चीज़ों को बस हाथ की सहायता से अच्छे से मिला लेना है। ये पकौड़े ना बहुत ही यमी लगते हैं। सर्दियों में तो अब हरी प्याज बहुत आती है, तो आप इस तरह से प्याज के पकौड़े बना के ज़रूर खाएं, बहुत ही टेस्टी लगते हैं और बहुत ही झटपट बन जाते हैं। अगर आपका कोई गेस्ट आता है तब भी आप इस पकौड़े को बना के उनके लिए सर्व कर सकते हो। और बहुत देर तक ये क्रिस्पी रहते हैं, ऐसा नहीं कि आप गर्म गर्म ही क्रिस्पी रहते हैं, आप ठंडे होने के बाद भी ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी ही रहते हैं। तो गैस पर रख दिया मैंने ऑयल। अब मैं इसमें एक एक करके थोड़े छोटे छोटे से पकौड़े डालती जाऊंगी, थोड़ा थोड़ा उठाते हुए। मतलब हमें ना तो ज़्यादा बड़ा पकौड़ा बनाना है ना ज़्यादा छोटा, मीडियम साइज़ के हमें पकौड़े बनाने हैं, क्योंकि ज़्यादा बड़े भी ना अंदर से कच्चे रह जाते हैं और ज़्यादा छोटे हैं कि वो जल जाते हैं। तो मीडियम साइज़ एक रखना है हमें, कितने ही बड़े हमें पकौड़े इसके बना के तैयार करने हैं। तो एक बार में जितने आ जाएगा हम उतना इसमें बैटर डाल देंगे, जितना एक बार में आएगा उतना डालना है, ज़्यादा इसमें नहीं डालना है। तो यहाँ पर सब मैंने भर दिया। अब इसे मैं अलटते पलटते हुए दोनों साइड से अच्छा सा एक कलर आने तक, क्रिस्पी कलर आने तक सेक लेंगे। तो मैं सेकना है लो टू मीडियम फ्लेम पे ही है, क्योंकि ना अगर हम हाई फ्लेम पे सेकेंगे तो ऊपर से तो क्रिस्पी हो जाएंगे लेकिन ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो हमें गैस का फ्लेम लो टू मीडियम ही रखना है, तो शायद सीकने में टाइम लगे लेकिन खाने में क्रिस्पी ही बनेंगे इसलिए। तो यहाँ पे मैं इसे सिकने देती हूँ अच्छे से लो टू मीडियम फ्लेम पे। और अगर उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर रहे हैं, इससे आने वाली हर वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया है, कितने एकदम क्रिस्पी से हमारे पकौड़े हो गए सिक्के तैयार। तो अब मैं ना सारे पकौड़ों को इसी तरह सिकने के बाद निकाल लेंगे। तो थोड़ा सा और कलर आने देती हूँ, थोड़ा जितना गोल्डन कलर आएगा ना उतने ही देखने में अच्छे लगेंगे। कितना कलर चेंज हो गया ये आप ही देख सकते हो,
लेकिन अभी थोड़े से कच्चे लग रहा है कोई कोई, तो हम इसे अलटते पलटते हुए अच्छे से सेक लेंगे। तो यहाँ पे मेरे हो गए सारे पकौड़े अच्छे से सिक के तैयार, तो मैं निकाल लूँगी इनको, तो इस तरह लेती जाऊँगी और साइड से थोड़ा सा दबाते हुए निकाल देंगे, एक्स्ट्रा ऑयल सारा निकलता जाए। मैं एक प्लेट पर सारे पकौड़ों को निकाल के तैयार कर लूँगी। तो सारे पकौड़े ना मुझे इसी तरह से निकाल के तैयार कर लेने हैं। तो आप देख सकते हैं बहुत ही क्रिस्पी बने हैं ये, और इसी तरह से जो मेरा बैटर बचा है उनको भी मैं इसी में इसी तरह से एक एक करके डालती जाऊंगी, और उनको भी इसी तरह गोल्डन और क्रिस्पी कलर आने तक सेक लूंगी, और इनको चलते हैं हम सर्व करने। अगर आपको मेरी प्याज के पकौड़े की रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कमेंट करना मत भूलना, और आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लेना, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, जिससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको